नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिनोज में। मिस्टर फूड्स के शेयर में अभी क्या करना चाहिए? क्या ये शेयर यहाँ से तेजी बना सकता है? 14.5 रुपए के आसपास जो ये शेयर ट्रेड कर रहा है और इसका जो एक हाई प्राइस था 52 का, जो कि लगभग 26 रुपीज के आसपास का था, तो 25-26 ये शेयर का प्राइस जो आधा हुआ है, डाउन हुआ है शेयर का प्राइस। 50% डिस्काउंट में बोल सकते कि अभी ये शेयर मिल रहा है जो इसका हाई प्राइस था उससे। तो मिस्टर फूड्स में हाल ही में देखेंगे तो जैसे कुछ अपडेट्स आया था, कंपनी के सेल्स वगैरह इंक्रीज हुआ है और अभी जो यहाँ पे बहुत बड़ा एक अपडेट आ रहा है कि कंपनी जो यहाँ पे Q2 25 का जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, मिस्टर फूड्स का जो Q2 25 का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही जल्दी शेयर करने वाला है, कभी शेयर करने वाला है मिस्टर फूड्स का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे कंपनी में क्या चल रहा है मिस्टर फूड्स में, टेक्निकली मिस्टर फूड्स का शेयर कैसा है, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रही, कभी भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोइश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमें बहुत सपोर्ट होता है। मिस्टर फूड्स का 52 के जो हाई प्राइस है उससे 45% डाउन चल रहा है, 45.03% शेयर का प्राइस डाउन चल रहा है इसके 52 के हाई प्राइस से। तो मतलब समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो एक डिस्काउंट रेट में शेयर चल रहा है, तो सही में ये डिस्काउंट रेट है क्या? यहाँ पे समझना है कि ये शेयर डिस्काउंट रेट तो नहीं बोल सकते, क्योंकि जो इसका 26 रुपए का एक या फिर 25-26 रुपए का जो एक हाई प्राइस इसने बनाया था उससे शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा नीचे चल रहा है और यही प्राइस में जो है फिलहाल अभी 14-16 रुपए के बीच में जो शेयर ट्रेड करता है। ऐसा नहीं कि शेयर जो है बीच बीच में मतलब 25-26 तक पहुंचता है उसके बाद फिर से शेयर का प्राइस डाउन होता है। अगर ये शेयर का आप ट्रेंड देखते हैं तो लगभग जो इसी प्राइस में शेयर ट्रेड करता है 14 रुपया 14.5 रुपया 15-15.5 16 है उसी बीच में शेयर फिलहाल अभी ट्रेड करता है। कुछ दिन में एक दिन में 2.1% के आसपास जो है शेयर में तेजी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और वही दोस्तों बात करते हैं, एक हफ्ते में 5.6% का रिटर्न दिया है, 1 मंथ में देखेंगे तो 1.2% शेयर का प्राइस डाउन हुआ है। दोस्तों कंपनी जो है यहाँ पे मिस्टर फोर्स जो है इसका जो ड्यूरेबिलिटी है 55 out of 100, तो फाइनेंशियली मिस्टर फोर्स का जो कंपनी है बोल सकते हैं कि न्यूट्रल पैटर्न में है। एंड वैल्यूएशन जो है 52 out of 100, मोमेंटम की बात करते हैं 37.90 है आउट ऑफ 100। दोस्तों कंपनी के यहाँ पे देखते हैं, मिस्टर फूड्स के यहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे मतलब 1 मंथ में देख लेते हैं, तो कि 1 मंथ देख लेते हैं कि क्या हुआ है शेयर में। देखिए 1 मंथ में ये शेयर का प्राइस आप देख सकते हैं 15.23 पैसा या फिर 15 रुपीज के आसपास बोल सकते शेयर ट्रेड कर रहा था, वहां से शेयर का प्राइस जो है आप देख सकते यहाँ पे डाउन हुआ है 14.02 पैसा। फिर एक बार देख सकते यहाँ पे जो है शेयर का प्राइस डाउन हुआ है जहाँ पे लगभग 13.17 पैसे तक ये शेयर पहुंच गया था, मतलब यहाँ पे शेयर एक तेजी बनाया, फिर यहाँ पे डाउन हो, फिर यहाँ पे जो है शेयर का प्राइस डाउन हो, फिर से जो एक बार तेजी बनाया। तो 1 मंथ का अगर आप शेयर का पैटर्न देखते हैं मिस्टर फूड्स का, जहाँ पे जो आपको यहाँ पे 3-4 बार ऐसा पैटर्न बना है शेयर में कि जहाँ पे एक प्रॉफिट ले सकते हैं। देखते हैं तो एक हफ्ते में देख सकते हैं शेयर में क्या चल रहा है, एक हफ्ते में बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ऐसा बहुत बड़ा पैटर्न बना है कि शेयर में एक रिटर्न ले सकते थे। यहाँ पे देख सकते शेयर जो है यहाँ से जो है डाउन चल रहा था और फिर जो है मिस्टर फूड्स के शेयर में एक तेजी बना, यहाँ पे फिर शेयर का प्राइस यहाँ पे डाउन हुआ और शेयर का प्राइस आप देख सकते तभी जो है लगभग 13.84 पैसे के आसपास, 13.74 पैसे के आसपास जो है माफ कीजिए शेयर पहुंचा था। उसके बाद देखेंगे तो फिर से जो शेयर के प्राइस में एक तेजी बना, 14.39 पैसे तक शेयर पहुंचा है, वॉल्यूम भी यहाँ पे अच्छा देखने को मिला है, फिर जो है शेयर का प्राइस डाउन हुआ। मतलब यहाँ पे एक हफ्ते में भी ऐसा बहुत सारा पैटर्न बना है मिस्टर फूड्स के शेयर में जहाँ पे रिटर्न ले सकते थे। बात करते दोस्तों एक दिन में जो मिस्टर फूड्स का शेयर देख सकते यहाँ पे जो बहुत ज्यादा डाउन हुआ और फिर यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिला है मिस्टर फूड्स के शेयर में। यहाँ पे जो शेयर का प्राइस देख सकते लगभग 14.11 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहां से जो शेयर का प्राइस एक तेजी बनाया है। तो अभी यहाँ पे मिस्टर फूड्स का जो SWT एनालिसिस है वो थोड़ा देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है इस कंपनी को लेके, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है क्या वीक पॉइंट्स है। तो एनुअल प्रॉफिट जो है मिस्टर फूड्स का जो कि हायर देन सेक्टर प्रॉफिट है, मिस्टर फूड जो है इसका जो कैपिटल है सही तरीके से यूज कर रहा है प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। ROCE जो मिस्टर फूड्स का पिछले 2 साल से यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है एंड कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो रहा है। कंपनी का जो ग्रोथ है जो कि देखेंगे तो नेट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है। एंड एक लो डेप्ट कंपनी है मिस्टर फूड्स और यहाँ पे जो है प्रोमोटर्स का देखते हैं तो 0 प्रोमोटर प्लेस्ड है। FIFPI ने जो है दोस्तों यहाँ पे स्टेक इंक्रीज किया है, मतलब मिस्टर फूड्स ने अगर देखेंगे तो एक बहुत बड़ा जो अपडेट है कि FIFPI ने यहाँ पे स्टेक इंक्रीज किया है। अभी
कंपनी का जो शेयर है टेक्निकली मिस्टर फोर्स का शेयर उतना ज्यादा फिलहाल अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है। देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कंपनी का मिस्टर फोर्स का जो कि 1495.7 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन टेक्निकली कैसा है ये शेयर मिस्टर फोर्स का देखते हैं तो टेक्निकली जो है ये शेयर आप देख सकते हैं एक बोल सकते कि जो एक न्यूट्रल पैटर्न है बनाता हुआ देखने को मिल रहा है मिस्टर फोर्स के शेयर में। दोस्तों बात करते हैं आरएसआई इंडिकेटर कह रहे हैं आरएसआई जो ये शेयर है ना कि ओवरबॉट लेवल पे है ना कि मैग्डी इंडिकेटर कह रहे हैं जो शेयर है एक न्यूट्रल पैटर्न बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी देखिए माफी मैग्डी इंडिकेटर कह रहे हैं जो शेयर है एक बेयरिश पैटर्न बनाता हुआ देखने को मिल रहा है मतलब टेक्निकली जो मिस्टर फोर्स का शेयर उतना ज्यादा फिलहाल अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है। दोस्तों देखिए कंपनी का सेल्स वगैरह इंक्रीज हुआ है हो सकता है कि इसका एक इम्पैक्ट इसके Q2 25 का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसमें देखने को मिले तो फाइनेंशियल रिजल्ट इसका स्ट्रॉन्ग बन सकता है मिस्टर फोर्स का। BSEL से मिला के एक दिन का जो एवरेज देखने को मिल रहा है 3.1 मिलियन का है। डिलीवरी परसेंटेज दिया है 65% का और डिलीवरी वॉल्यूम दिया है 2 मिलियन का। एक हफ्ते का देख सकते हैं BSNS से मिला के जो एवरेज है 4.3 मिलियन का। डिलीवरी परसेंटेज दिया है 59.2% का और डिलीवरी वॉल्यूम दिया है 2.5 मिलियन का। यहाँ पे वन मंथ में 3.6 मिलियन का जो इसने BSNS का मिला के देखते हैं तो एवरेज है और जो डिलीवरी परसेंटेज है 63.7% का। डिलीवरी वॉल्यूम है 2.3 मिलियन का। तो यहाँ पे देखिए मतलब इसका वन मंथ का जो बोलते हैं कि BSNS से मिला के जो डिलीवरी BSNS मिस्टर फोर्स के शेयर का उसका आसपास अभी जो है यहाँ पे शेयर ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ पे जो है एक मतलब एक हफ्ते में देखते हैं तो BSNS की जो एवरेज है बहुत ज्यादा हाई हुआ था मिस्टर फोर्स के शेयर का। अभी यहाँ पे जो इसका बोल सकते हैं जो वॉल्यूम है शेयर का जो वन मंथ का वॉल्यूम है 2.3 मिलियन तो यहाँ पे उसके बाद 2.5 मिलियन हुआ फिर जो शेयर का जो वॉल्यूम यहाँ पे डाउन हुआ जो कि 2 मिलियन के आसपास इनको मिल रहा है। तो मिस्टर फोर्स बोलते कि कंपनी का जो अभी फिलहाल कुछ दिन में न्यूज में आया है कि कंपनी जो यहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है नए नए मार्केट में लॉन्च कर रहा है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का जो डिमांड है मिस्टर फोर्स का वो बहुत ज्यादा मार्केट में देखने को मिल रहा है जिसका एक इम्पैक्ट इसके जो सेल्स है सेल्स में पड़ा है। सेल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है कंपनी का मिस्टर फोर्स का। अभी देखिए कंपनी अगर देखते हैं मिस्टर फोर्स का जो बोलते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस बताया जा रहा है जो कि 14.77 का है एंड देखते हैं तो 14.08 का है एंड 14.53 का है। सपोर्ट की बात करते हैं शेयर के प्राइस में 14.59 के आसपास शेयर अभी ट्रेड कर रहा है तो सपोर्ट देखिए यहाँ पे जो कि 14.11 के आसपास है 13.74 के आसपास है और 13.5 कंपनी का जो शेयर होल्डिंग है दोस्तों शेयर होल्डिंग में देखते हैं तो जो प्रोमोटर्स है देखिए प्रोमोटर्स के पास 46.87% का स्टेक था मिस्टर फोर्स का। प्रोमोटर्स ने जो यहाँ पे स्टेक बोल सके जो रिड्यूस करके 43.48% का किया है। वही दोस्तों बात करते हैं FIS के पास 2.79% का स्टेक था। यहाँ पे देख सकते हैं FIS ने जो है स्टेक यहाँ पे इंक्रीज करके 5.63% का किया है। दोस्तों पब्लिक के पास जो है 50.34% का स्टेक था तो पब्लिक ने यहाँ पर स्टेक इंक्रीज किया है मतलब प्रोमोटर्स ने यहाँ पे स्टेक बेचा है FIS ने स्टेक यहाँ पे खरीदा है। तो अभी मिस्टर फोर्स का जो एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है कि कंपनी इसका जो Q2 25 का फाइनेंशियल रिजल्ट है वो बहुत जल्दी शेयर करने वाला है। आप देख सकते हैं जो है मिस्टर फोर्स की ओर से इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया है Q2 फाइनेंशियल 25 का जो अर्निंग्स कॉल है कंपनी का कितना रेवेन्यू हुआ है कितना प्रॉफिट वगैरह हुआ है ये सारे डिटेल्स कंपनी शेयर करेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है जो है एक जो इसका डेट रखा गया है कि कभी कंपनी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा जो कि 6 नवंबर को जो है मिस्टर फोर्स यहाँ पे इसके Q2 25 का जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करने वाला है। डिविडेंड को लेकर अगर बात करते हैं दोस्तों मिस्टर फोर्स का जहाँ पे डिविडेंड जो है मिस्टर फोर्स जो डिविडेंड उतना कुछ खास देता नहीं है इन्वेस्टर्स को। तो यहाँ पे अगर शेयर हम लोग खरीदते हैं अभी जैसे कि 14.14 के आसपास ट्रेड कर रहा है तो हमें लगता है कि मतलब इसका Q2 25 का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का स्ट्रॉन्ग बनता है कंपनी का नेट प्रॉफिट पैट EV/EBITDA वगैरह तभी जाके जो शेयर में तेजी तो शेयर जो है थोड़ा बहुत यहाँ से जैसे कि अभी 14.5 रुपए के आसपास चल रहा है तो यहाँ से थोड़ा बहुत जो है रिटर्न दे सकता है। आपको कैसा लगता है दोस्तों मिस्टर फोर्स का शेयर जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिर नॉइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।